इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है और प्राइम मिनिस्टर जो बोलते रहते हैं कि हमारा करप्शन से कोई लेना देना नहीं, हमने दूर कर दी है। पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड दोनों मिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर करप्शन का चस्पा है, मैं ये कहूंगी। इस देश के अंदर बहुत घोटाले हुए हैं, पहली रिजीम्स के टाइम में भी हुए हैं, लेकिन इसके बड़ा कोई घोटाला नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल है। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिनको बिठाया गया है उनकी यहां से कान मरोड़ करके उनसे जो मर्जी करवाया जा सकता है। जिन चोरों ने इनका साथ दिया है लगातार इस देश के अंदर अफरा तफरी फैलाने का, उन चोरों को बचाया जा सके। झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, इस झूठों की और बेईमानों की सरकार को भगाने का हमारा फैसला। इनके मामलों लेकर के मीटिंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, कहाँ तक जुटे? राम तो कणकण में है, जो बिलीवर्स हैं राम के उनके हिसाब से राम कणकण में है, ब्रह्मांड में है, पूरी पृथ्वी पे हैं। तो अगर राम राज्य की बात करनी है तो दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में ओपिनियन रखना पड़ेगा। और जो पैलेस्टाइन में किया जा रहा है, हिंदुस्तान तो झेल चुका ना साम्राज्यवाद को, 200 साल हमने झेला, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़े और देश हमारा आज़ाद हुआ। और आज दुनिया के किसी भी कोने में आज़ादी का आंदोलन है, उसके साथ हम तब खड़े रहते थे और दूसरे लोग हमारे साथ खड़े रहते थे। तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, खुद अपनी भी आज़ादी को महफूज रखने के लिए दुनिया में कहीं भी किसी की आज़ादी छिन रही है तो उसके साथ खड़े होना। तो उसके साथ खड़े होना अगर राम राज्य नहीं समझ में आता है हुकूमत करने वालों को, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि ये हमारे पुरखों की, स्वतंत्रता सेनानियों की ये धरोहर है, हमारी हेरिटेज है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिलिस्तीन के भी क्या कंडीशन है, एम्बेसडर भी हैं, बातचीत होती है, क्या बता रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या भी? देखिए, हालात बहुत ख़राब हैं, 30,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिनमें से आप ये समझिए कि 70% तो औरतें और बच्चे हैं जो मरे हैं। यूएन एड एजेंसीज के लोगों को मारा गया है, पीस कीपिंग फोर्सेस को मारा गया है, डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, टेक्नोक्रेट्स को, सबको मारा गया है। और जो रिलीफ के लिए, खाने के लिए, उन चीज़ों के लिए खड़े लोग हैं उनको मारा गया है। तो हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एजेंडा बड़ा साफ दिख रहा है कि इसराइल की हुकूमत अमरीका की पूरी बैकिंग के चलते हुए फिलिस्तीनियों को उस पूरे एरिया से, गाज़ा पट्टी और उसके आसपास के एरिया से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो ये एक किस्म का अमेरिका और इसराइल का एक कॉमन एजेंडा है, उस कॉमन एजेंडा के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो समझो हम अपनी आज़ादी को महफूज करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए हालात वहाँ बहुत ख़राब हैं और हमें खड़े होना चाहिए। परसों 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, उन औरतों का हाल देखिए जो नेस्तनाबूद हो रही हैं, जिनकी कोख में बच्चों को मारा जा रहा है, जिनका एक दिन का गोदी में बच्चा है उसको मारा जा रहा है, जिसका लाल एक साल का खेल रहा है, कूद रहा है, वो मर रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आज पैलेस्टाइन के साथ खड़े होना हर उस मानव का कर्तव्य है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो आज़ादी को पसंद करता है, जो सांप्रदायिकता विरोधी है, जो मानवता की एकता की बात करता हो। और दुनिया में किसी भी जगह पे साम्राज्यवाद का कब्जा नहीं होना चाहिए, हर एक को आज़ादी से रहने का हक है। जो इन बातों में यकीन करता है उसको आज की डेट में आप कहीं भी खड़े हैं तो ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर वो स्टैंड नहीं लेते, लोग मीटिंग कर रहे हो और क्या लगता है नेतन्याहू से डर जाएंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि नेतन्याहू डर जाएंगे, नेतन्याहू तो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों को भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका चला गया, जिसका हम बहुत वेलकम करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 16-1 की वोट से, 15-2 की वोट से भी ये कह दिया गया कि तुरंत सीज फायर होना चाहिए और नेतन्याहू नहीं माना है, तो उसको डराने का प्रश्न नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये माहौल क्रिएट करने का प्रश्न है कि उनको निंदा करो जो इस वक्त मानवता का नरसंहार कर रहे हैं। तो ये है, आज नहीं सुन रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की जो आवाज़ है वो इसराइल का खुद का आवाम जो नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा है, वो आवाम मजबूत होगा, नेतन्याहू नहीं सुनेगा, इसराइल का आवाम मजबूत होगा, वो मजबूती से उठेगा, वो तेज उठेगा, तो नेतन्याहू का वो पत्ता साफ करेंगे ना, ये उनका काम है। आंदोलन चल रहा है इसराइल में ही नेतन्याहू के खिलाफ? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ मीडिया का गला घोटने की कोशिश की जाती है,
हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं। आप सोशल मीडिया के थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप ला पाते हो सामने, लेकिन हमारे यहाँ मेन मीडिया खामोश किया गया है। और इसी तरीके से इसराइल के अंदर भी मीडिया को खामोश करने की कोशिश है, तो भी आपके जैसे वहाँ बहुत हैं जो पूरी दुनिया के अंदर तस्वीरें ला रहे हैं और ला रहे हैं कि इसराइल के अंदर बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। प्रतिबंध है, बिल्कुल प्रतिबंध है, 144 लगा रखी है। अभी सुबह हमको फ़ोन आया स्पेशल सेल से, आप अपने यहाँ कोई एग्जीबिशन लगवा रहे हैं। मैंने कहा घर के अंदर लगा रहे हैं ना, ये तक हमारा घर है ना, दफ्तर है हमारा, तो दफ्तर में लगा रहे हैं पैलेस्टाइन के समर्थन में, और हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ हमेशा खड़ा रहा है आज़ादी के आंदोलन से लेके और बाद में भी। हाँ, अगर आज रवैया चेंज करने की बात है तो उसमें गवर्नमेंट का कसूर है, हिंदुस्तान का आवाम आज भी पैलेस्टाइन के खड़ा है। इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों को जिंदा रहने का साथ रहना चाहिए। जब पीएम थे देश के तब जो है भारत फिलिस्तीन साथ खड़ा था, नरेंद्र मोदी इसराइल के साथ खड़े हैं, कोई ट्वीट उनका नहीं आया है। जो ट्वीट आया तो उन्होंने कहा था मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। ये आतंकवाद नहीं है, ये दूसरे देश को नेस्तनाबूद करना है, ये आतंकवाद नहीं है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की बात को नहीं मानते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो गुजरात के बाद ये भी कहा था कि अपना राजधर्म निभाओ। तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुंह बंद कर दिया गया, वो हम जानते हैं। आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो हमारे देश के वर्कर्स को इसराइल भेजना चाह रही है, वही नरेंद्र मोदी का रवैया दिखाता है। हमने कहा है कि हमारे वर्कर्स को वहाँ मरने के लिए भेजना हमारे देश के सिद्धांतों के खिलाफ है, नंबर वन। पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करके वर्कर्स को वहाँ भेजना, ये नंबर टू अनदर क्राइम है। और उसके साथ साथ ल्योर करना वर्कर्स को कन्फ्लिक्ट जोन में भेजना, आज ही तस्वीर आई है वहाँ एक यंगस्टर्स की डेथ हुई है इसराइल की भूमि पे, और आप कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करके हिंदुस्तानी वर्कर वहाँ पर काम करें। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है, हम सरप्राइज नहीं है, ये यही स्टैंड लेंगे, क्योंकि शुरू से इसी टाइप के रहे हैं। जैसे वो ज़ायनिस्ट हैं तो ऐसे यहाँ भी ये फेनाटिसिज्म फैला के, पोलराइजेशन फैला के, नफ़रतों की आंधियाँ फैला करके, वोटरों को डिवाइड करके कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। तो उस सारी सिचुएशन में पैलेस्टाइन के साथ खड़े होना, इसराइल का विरोध करना, अपने देश की आज़ादी को मजबूत करना है और ऐसी हुकूमतों को चुनौती देना है जो हमारे मुल्क में एक हफ्ते बाद भारत में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, कभी भी 13 तारीख के बाद हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत आजकल चर्चा में है, उससे लेकर क्या सोचती हैं आप? इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, और प्राइम मिनिस्टर जो बोलते रहते हैं कि हमारा करप्शन से कोई लेना देना नहीं, हमने दूर कर दी है, पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड दोनों मिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर करप्शन का चस्पा है, मैं ये कहूँगी। तो इसलिए इससे बड़ा घोटाला इस देश के अंदर बहुत घोटाले हुए हैं, पहली रिजीम्स के टाइम में भी हुए हैं, लेकिन इसके बड़ा कोई घोटाला नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल है, मैं कहूंगी कि शामिल है। SBI तो कह रहा है कि आप हमको 30 जून तक समय दीजिए, हम ताकि इलेक्शन खत्म हो जाए। किन किन लोगों ने कितना रुपया कैसे कैसे दिया है? अजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिनको बिठाया गया है उनकी यहाँ से कान मरोड़ करके उनसे जो मर्जी करवाया जा सकता है। इसलिए 30 जून की डेट इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाए, और इनके जिन चोरों ने इनका साथ दिया है लगातार इस देश के अंदर अफरा तफरी फैलाने का, उन चोरों को बचाया जा सके, तो 30 जून के की डेट उन्होंने दी है। चोर, आप चोर बोल रही खुल करके, कॉरपोरेट घराने चोरी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उनको देश की जनता की धन दौलत को लूटने के लिए उस चोरी में मदद कर रहे हैं। तो सरकार भी फिर चोर है, तो वो भी चोर हैं। इन हाउस मीटिंग दिल्ली पुलिस बाहर घूम रही है, मालूम है, उन्होंने हमें सुबह फोन करके पूछा था, हमने कहा कि एग्जीबिशन है, आप भी आइए और देखिए। अच्छा, हमने तो खुला निमंत्रण दिया। जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जाता है, समय मांगता है, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट SBI को समय दे देगा 30 जून तक के लिए? ये मैं तो नहीं कह सकती ना, ये तो जज साहब तय करेंगे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने अगर इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है तो उनको SBI की इस बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधे सीधे क्या बोलते हैं अनफेयर प्रैक्टिस है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है,
उसके अंदर फेवर किया गया है कॉरपोरेट घरानों ने, बीजेपी को फेवर किया है विजे विज अपोजिशन पार्टीज, तो ये इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसके बारे में दूध का दूध पानी का पानी तो पहले होना चाहिए ना चुनाव से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो क्या फैसला लेंगे, हम तो नहीं उनको कह सकते कि आप क्या फैसला लो। संवैधानिक बताया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने तो बताया ही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कह चुके हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो किया गया है, इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को ट्रांसपेरेंट नहीं रखना, पार्लियामेंट की जवाबदेही नहीं होना, सीएजी की जवाबदेही नहीं होना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उसके ऊपर लागू नहीं होना, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा है। तो अगर कहा है तो उन्हीं जज साहबान को सोचना चाहिए, जब इतनी बड़ा उन्होंने फैसला दिया है तो उस फैसले को चुनाव से पहले इम्प्लीमेंट कराए। आज डाटा रिलीज करना था, आज का टाइम था, हाँ इसीलिए वो चले गए वहाँ, तो हेडक्वार्टर है ना यहाँ बीजेपी का, वहाँ से निर्देश हुआ होगा, उस निर्देश को लेके चले गए। अच्छा मतलब एसबीआई जो है वो जो बीजेपी हेडक्वार्टर वाले बोलते वही करती है। नेचुरली बीजेपी रूल कर रही है ना, तो बीजेपी जो रूल कर रही है तो बीजेपी हेडक्वार्टर में ही तो अभी आए थे 3 दिन पहले भी नरेंद्र मोदी, हाँ। और वहाँ बैठ करके कुछ सलाह मशवरा हुई थी, तो नेचुरली बीजेपी रूल कर रही है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर से निर्देश जा रहे हैं सब जगह। जो और के मुखिया हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, किन का जो मुखिया है एसबीआई के चेयरमैन है। देखिए पहले भी सबको इनाम दिया जाता है, जो जब जज साहबान इनके हिसाब के फैसले देते हैं, किसी को गवर्नर बना देते हैं, किसी को सीबीआई चीफ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, तो नेचुरली इनाम दे के ही ये सारे काम कराए जा रहे हैं, या इनाम की घोषणा करके कि देंगे, या आश्वासन दे के ये सब कुछ काम करवाए जा रहे हैं। तो अगर लोगों का जो उन आश्वासनों पे या प्रलोभ पे काम कर रहे हैं, अगर उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनकी आत्मा को कुछ चोटता ही नहीं है, उनको चारों तरफ कुछ समझ ही नहीं आता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो ये उनकी सोच है, मैं उस पर क्या कहूँ, पर मैं ये समझती हूँ उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। बीजेपी फंस गई है क्या? बिल्कुल बीजेपी फंसी हुई है। आप देखिए इस सारे मुद्दे को, इन सारे इश्यूज़ को जो इस सरकार ने इस देश के लोगों के साथ ज्यादती की है, संविधान के साथ ज्यादती की है, नीचे हम लेके जाएंगे जनता में, हम ट्रेड यूनियंस इसके ऊपर बिल्कुल अहद किए हैं। कल मोदी जी तेलंगाना में थे, उन्होंने कहा कि टीवी वाले हमको दिखाते ही नहीं हैं, मैं जो बोलता हूँ खबर बनती ही नहीं है। मोदी के अलावा अखबार के कौन सा पेज है जहाँ मोदी की फोटो नहीं है? झूठ बोल रहे हैं। और बिल्कुल वो कब झूठ नहीं बोलते थे, अपनी डिग्रियों से लेके आज तक सारे झूठ ही तो उन्होंने बोले हैं। 2 करोड़ देने थे, दिए नहीं, अब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो गई है, तो झूठ ही तो बोल रहे हैं, लगातार झूठ चल रहा है। तो झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, इस झूठों की और बेईमानों की सरकार को भगाने का हमारा फैसला। मैम आखिरी सवाल ले लीजिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, हाँ, चुनाव लड़ेंगे। सो नथिंग न्यू, बहुत सारे लोगों को, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत से जजेस को, बहुत से और लोगों को ये ल्योर करते हैं, अपने यहाँ लाते हैं, तो वही बंगाल है ना, फिर किसको टिकट दिया, भगाना तो इन्होंने था, पर उन्हीं से कहा कि कह दो मैंने चुनाव नहीं लड़ना, तो कैसे कैसे लोगों को ये देते हैं, जो जमीर बेच करके जहाँ जाना चाहते हैं जाएं।